फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आदर्श युवा एकेडमी AY एकेडमी। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं MP बोर्ड का जो 5th लेसन है स्नीज, जिसका मतलब होता है छींक, यानी कि जैसे छींकते हैं तो उसका ये स्नीज यानी कि छींक पर आधारित एक लेसन है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वर और टू सेंटेंसेस, यानी कि ये छोटे छोटे आंसर आपको इन क्वेश्चन के देने हैं। तो इस तरह से जो शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो हो जाएंगे टोटल 7 और इसके पश्चात आपके जो लॉन्ग आंसर रहेंगे वो हैं आपके टोटल 3, जिनके आंसर आपको 3 और 4 सेंटेंसेस में देने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर को, इनको हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको इनको बेहतर तरीके से लिख सकें और इनको समझ सकें और लर्न भी कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन, हु वाज चिर्वेकॉफ। चिर्वेकॉफ फ्रेंड्स एक व्यक्ति है जिसका इस लेसन में जिक्र किया गया है और ये एक अलग तरह का नाम आपको लगता होगा क्योंकि ये दूसरे देश का व्यक्ति है तो वहाँ के नाम भी अलग तरह के होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखें टी साइलेंट है इसलिए इसको चिर्वेकॉफ पढ़ते हैं, काफ़ी लोगों को समस्या हो सकती है इस नाम को पढ़ने में, तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे चिर्वेकॉफ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हु वाज चिर्वेकॉफ, चिर्वेकॉफ कौन था। तो यहाँ पर देखिए द चिर्वेकॉफ वाज ए माइनर ऑफिशियल। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए कि जो माइनर शब्द है यहाँ पर माइनर का मतलब होता है छोटा और ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी, यानी कि चिर्वेकॉफ एक छोटा अधिकारी था। आगे यहाँ पर देख लें व्हाट वाज चिर्वेकॉफ डूइंग इन द ओपेरा हाउस। चिर्वेकॉफ ओपेरा हाउस में क्या कर रहा था, डूइंग माने होता है करना और ओपेरा हाउस एक इस तरह का बिल्डिंग होती है जहाँ पर संगीत के साथ में नाटक किया जाता है, यानी कि गाने के साथ में नाटक किया जाता है, उसको ओपेरा हाउस कहा जाता है और वहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा था उसको ओपेरा कहा जाता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस तरह के प्रोग्राम चलते हैं और उनको लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने के लिए वहाँ पे जाया करते हैं। तो ऐसे ही चिर्वेकॉफ एक ओपेरा हाउस जो कि बहुत फेमस था वहाँ पर जाके ओपेरा हाउस ओपेरा को देख रहा था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है व्हाट वाज चिर्वेकॉफ डूइंग इन द ओपेरा हाउस, यानी कि चिर्वेकॉफ डूइंग इन द ओपेरा हाउस व्हाट, तो क्या कर रहा था ओपेरा हाउस में। तो यहाँ फ्रेंड्स देख लें चिर्वेकॉफ वाज वॉचिंग ए फेमस ओपेरा इन द ओपेरा हाउस, यानी कि जो चिर्वेकॉफ है वॉचिंग माने होता है देखना और फेमस माने होता है प्रसिद्ध ओपेरा, यानी कि चिर्वेकॉफ एक प्रसिद्ध ओपेरा देख रहा था इन द ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस में एक प्रसिद्ध ओपेरा देख रहा था। चलिए आगे देख लेते हैं जो अगला जो क्वेश्चन है वो व्हाट हैपेंड इन द ओपेरा हाउस, तो ओपेरा हाउस में क्या हुआ था ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका इन द ओपेरा हाउस चिर्वेकॉफ सडनली स्नेज्ड ऑन एन ओल्ड मैन। इन द ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस में चिर्वेकॉफ सडनली का मतलब होता है तुरंत या अचानक और यहाँ पर हैपेंड जो क्वेश्चन में हैपेंड का मतलब होता है घटित होना, हैपेंड मीन्स घटित होना और हैपेंड यानी कि हैपेन का सेकेंड फॉर्म घटित हुआ। तो व्हाट हैपेंड इन द ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस में क्या घटित हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा इन द ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस में चिर्वेकॉफ सडनली स्नीज्ड, स्नीज्ड का मतलब होता है छींक देना। तो इन द ओपेरा हाउस चिर्वेकॉफ सडनली, चिर्वेकॉफ ने अचानक छींक दिया ऑन एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़े आदमी, एक या एक बड़े जो बूढ़ा आदमी था या कहें उम्र में जो बड़ा व्यक्ति था उसके ऊपर उसने छींक दिया था। तो ये घटना घटी थी ओपेरा हाउस में। अगला जो क्वेश्चन है व्हाई डिड चिर्वेकॉफ फील असेंट, व्हाई माने क्यों और चिर्वेकॉफ फील माने होता है महसूस करना और असेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी। चिर्वेकॉफ को शर्मिंदगी महसूस क्यों हुई, तो इसका आंसर हम चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए कि हो जाएगा आंसर है चिर्वेकॉफ फेल्ट असेंट, फील का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है फेल्ट। तो चिर्वेकॉफ फेल्ट असेंट टू सी, चिर्वेकॉफ को शर्मिंदगी महसूस हुई देखकर टू सी दैट कि एन ओल्ड मैन वाज वाइपिंग विथ ग्लोव हिज बाल्ड स्पॉट दैट, माने कि यहाँ पे फ्रेंड्स जो दैट बीच में आता है उसका भावार्थ निकलता है कि एन ओल्ड मैन,
जो उससे उम्र में बड़ा व्यक्ति था, ओल्ड मैन, बूढ़ा कह सकते हैं, या उम्र में जो बड़ा व्यक्ति था, वाज वाइपिंग। वाइपिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को घिसना या मलना विथ ग्लोव, अपने हाथों से। ग्लोव्स, ग्लोव का मतलब होता है हाथ से। हिज बाल्ड स्पॉट, बाल्ड माने होता है गंजा, और स्पॉट माने जो गंजा स्थान है, यानी कि हमारा जो सर है, गंजा सर है, उसको वो अपने हाथ से घिस रहा था, पोंछ रहा था। एंड द बैक ऑफ हिज नेक, और अपने जो सर का जो पीछे की जो गर्दन है उसको पोंछ रहा था, ड्यू टू हिज स्नीजिंग, क्योंकि उसने छींक दिया था। तो इसलिए उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने उसके सर के उसके ऊपर छींक दिया था। तो वो जो उससे उम्र में बड़ा व्यक्ति था, वह अपने हाथों से अपने जो गंजा है उसको इस तरह से मल रहा था, और अपने गर्दन के पीछे हाथ को भी मल रहा था, ड्यू टू हिज स्नीजिंग, उसके छींकने के वजह से। तो ये फ्रेंड्स हो गया इसका आंसर। तो सबसे पहले इसके मीनिंग देख लीजिए। असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस की, फेल्ड माने होता है महसूस करना, और असेम्ड मीन्स होता है शर्मिंदगी। टू सी, देख कर, दैट एन ओल्ड मैन। वाइपिंग का मतलब होता है घिसना, जैसे आप देखते हैं कि एक वाइपर आता है जिसको हम अपना जो फर्श होता है उससे पानी को पोंछने के लिए या पानी हटाने के लिए जब पोंछा लगाते हैं तो उसका यूज करता है, तो उसको वाइपर कह दिया जाता है। वाइपर का मतलब, वाइपिंग का मतलब होता है पोंछना। ग्लोव का मतलब होता है हाथ, और बाल्ड माने होता है गंजा, और स्पॉट माने होता है जगह, और नेक माने होती है गर्दन। ड्यू टू का मतलब मीन्स होता है कि कारण। स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना। तो इस तरह से आपको ये मीनिंग भी बन गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। हु वाज द पर्सन ऑन होम चिरवेकॉफ स्नीज्ड। हु वाज द पर्सन, वह व्यक्ति कौन था, व्यक्ति कौन था ऑन होम, जिसके ऊपर, होम का मतलब निकलेगा जिसके ऊपर, चिरवेकॉफ स्नीज, चिरवेकॉफ ने छींक दिया था, यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर चिरवेकॉफ ने छींका था वो व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पर देखिए, चिरवेकॉफ स्नीज्ड, चिरवेकॉफ ने छींका था ऑन जनरल विर्जलॉफ, हु वाज जनरल इन द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज। चिरवेकॉफ स्नीज्ड ऑन द जनरल विर्जलॉफ, यानी कि वो जो व्यक्ति था उसका नाम विर्जलॉफ था, जो एक जनरल था। हु वाज जनरल इन द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज, जो डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज में जनरल की रैंक पर पदस्थ था, यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर उसने छींका था वो एक जनरल था, और उसका नाम क्या था, व्रिजलॉफ। तो मेरा मानना है कि ये आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग, और हाईवेज का मतलब होता है जो सड़क संबंधी, जो परिवहन संबंधी जो विभाग होता है उसको हम बोलें। आगे देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड चिरवेकॉफ। यहाँ फ्रेंड्स आप देखें कि हमने गलती से यहाँ पर जो चिरवेकॉफ है यहाँ पर आपको सी नहीं करना है, के करना है, लेकिन हमसे गलती से यहाँ पर हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई जगह पर आपको यहाँ पे सी मिलेगा, तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, सी की जगह आपको के करना है। तो चिरवेकॉफ, व्हाट डिड चिरवेकॉफ थिंक आफ्टर स्नीजिंग, व्हाट डिड चिरवेकॉफ थिंक आफ्टर स्नीजिंग, छींकने के बाद चिरवेकॉफ ने क्या सोचा। थिंक माने होता है सोचना, और आफ्टर स्नीजिंग, छींकने के बाद, व्हाट माने क्या और थिंक माने सोचा, तो चिरवेकॉफ ने छींकने के बाद क्या सोचा। फ्रेंड्स इस बात को आपको ख्याल रखना है कि ये जो चिरवेकॉफ में हमने यहाँ पे सी लगा दिया हुआ है ये हमसे गलती से लग गया है, और इसकी संभावना है कि जहाँ आगे पूरे इस वीडियो में जहाँ पर चिरवेकॉफ लिखा हो सकता है कि वहाँ पर कई जगह पे सी हो, लेकिन वहाँ पे जैसे नीचे यहाँ पे के लगा हुआ है तो ये सही है, यानी कि सी नहीं है, के सही है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो छींकने के बाद चिरवेकॉफ ने क्या सोचा। आफ्टर स्नीजिंग, छींकने के बाद चिरवेकॉफ थॉट, सोचा, थॉट का मतलब होता है थिंक का सेकेंड फॉर्म होता है थॉट। आफ्टर स्नीजिंग, छींकने के बाद चिरवेकॉफ ने सोचा दैट कि ही मस्ट अपोलोगाइज, कि उसे माफ़ी मांगना चाहिए, जनरल ब्रिजोलॉफ, जनरल ब्रिजोलॉफ से माफ़ी मांगना चाहिए, यह उसने सोचा छींकने के बाद। मेरा मानना है कि ये आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे हम फर्स्ट देख लें जो सेवन क्वेश्चन है, सेवेंथ जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डिड चिरवेकॉफ्स वाइफ एडवाइस हिम। जो चिरवेकॉफ की जो पत्नी है उसने चिरवेकॉफ को क्या सलाह दी, व्हाट माने क्या। चिरवेकॉफ्स वाइफ यानी चिरवेकॉफ की जो पत्नी थी उसने, हेम का मतलब है चिरवेकॉफ को कहा जा रहा है कि उसकी पत्नी ने चिरवेकॉफ को क्या सलाह दी। एडवाइस में होता है सलाह देना।
तो चलिए देख लेते हैं आंसर। चिर्वेकॉफ्स वाइफ, चिर्वेकॉफ की पत्नी ने एडवाइस्ड हेम, एडवाइस्ड हेम का मतलब चिर्वेकॉफ को सलाह दी, हेम का मतलब है, हेम यहाँ पे इंगित कर रहा है चिर्वेकॉफ को। दैट माने कि ही मस्ट गो, उसे जाना चाहिए, एंड अपोलोगाइज टू द जनरल, और उसे जनरल से माफ़ी मांगना चाहिए। अपोलोगाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना, टू द जनरल, जनरल से, एल्स नहीं तो, एल्स का मतलब होता है अन्यथा या नहीं तो। ही वुड थिंक, वह सोचेगा, दैट माने कि ही डिडंट नो, कि वह नहीं जानता, हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, कि समाज में किस तरह से व्यवहार करना होता है। यानी कि चिर्वेकॉफ की पत्नी ने कहा कि आपको जाना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगना चाहिए जनरल से, अन्यथा वो ऐसा सोचेंगे कि आपको समाज में कैसे व्यवहार करना है, समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए ये आपको पता नहीं है, वो ऐसा सोचेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो उन चिर्वेकॉफ की पत्नी थी उन्होंने सलाह दी चिर्वेकॉफ को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इस तरह से जो शॉर्ट आंसर थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो लॉन्ग आंसर हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है, हाउ डिड चिर्वेकॉफ अपोलोगाइज इन द ऑफिस, हाउ डिड, हाउ माने कैसे, चिर्वेकॉफ अपोलोगाइज, चिर्वेकॉफ ने माफ़ी मांगी इन द ऑफिस, कार्यालय में। हाउ डिड द जनरल रिएक्ट, और जब माफ़ी मांगने गया तो हाउ माने कैसे, जनरल रिएक्ट, तो जनरल ने क्या प्रतिक्रिया दी या जनरल ने कैसी प्रतिक्रिया दी जब वह ऑफिस में माफ़ी मांगने के लिए गया था। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको देखना है कि चिर्वेकॉफ फेल्ट एम्ब्रेस्ड, चिर्वेकॉफ फेल्ट एम्ब्रेस्ड, चिर्वेकॉफ फेल्ट मतलब महसूस करना, एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है आफ्टर स्नीजिंग, चिर्वेकॉफ फेल्ट एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है मतलब परेशानी महसूस करना, इस तरह से आप समझ सकते हैं, आफ्टर स्नीजिंग ऑन जनरल ब्रिजोलॉफ, चिर्वेकॉफ फेल्ट एम्ब्रेस्ड आफ्टर स्नीजिंग ऑन जनरल ब्रिजोलॉफ, जनरल ब्रिजोलॉफ के ऊपर छींकने के पश्चात चिर्वेकॉफ को बुरा महसूस हुआ, आप ऐसा समझ सकते हैं। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है प्रताड़ित महसूस करना, तो अपने छींकने के बाद पश्चात, जनरल ब्रिजोलॉफ के ऊपर छींकने के पश्चात चिर्वेकॉफ अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा था। सो इसलिए ही हेजिटेटिंगली, झिझकते हुए, हेजिटेटिंगली मीन्स होता है झिझकते हुए, इसलिए वह झिझकते हुए अपोलोगाइज्ड, उसने माफ़ी मांगी, बट जनरल, लेकिन जो जनरल है, बट माने लेकिन, जनरल डिडंट टेक इट सीरियसली, लेकिन जो जनरल था उसने चिर्वेकॉफ के छींकने को बहुत गंभीरता से नहीं लिया था, उसका मानना था कि ये सामान्य सी स्थिति, हर कोई छींक देता है और बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं, ध्यान नहीं रखता रहता तो अपने जो चेहरा है उसमें हाथ नहीं लगा पाते, और परिणाम ये होता है जब छींकते हैं तो उससे सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा कष्ट हो सकता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति इतनी गंभीरता से उसको नहीं लेता है, ऐसा ही जनरल ने भी सोचा था। तो यहाँ पर जनरल डिडंट टेक इट सीरियसली, सीरियसली का मतलब होता है गंभीरता से। ही टोल्ड चिर्वेकॉफ नॉट टू वरी अबाउट इट, ही टोल्ड, टोल्ड माने होता है कहा, चिर्वेकॉफ, चिर्वेकॉफ से नॉट टू वरी अबाउट इट, कि इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो ब्रिजोलॉफ जो जनरल था उसने चिर्वेकॉफ से कहा कि इसके बारे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यह एक सामान्य सी स्थिति है। तो मेरा मानना है ये आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख ले, व्हाई डिड चिर्वेकॉफ डाई, जो चिर्वेकॉफ था वो क्यों मर गया, यानी कि चिर्वेकॉफ क्यों मर गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर है, चिर्वेकॉफ डाइड एट द एंड, चिर्वेकॉफ अंत में मर गया था, एज माने होता है यहाँ पर क्योंकि, डाइड माने होता है मर जाना और एंड माने होता है अंत में, एज माने क्योंकि, ही वॉज रिपेंटिंग, रिपेंटिंग का मतलब होता है पश्चाताप करना, क्योंकि वह पश्चाताप कर रहा था फॉर ए माइनर, माइनर फॉल्ट, माइनर फॉल्ट का मतलब छोटा मोटा, और फॉल्ट माने होता है गलती, लाइक स्नीजिंग, यानी छींकने जैसी छोटी सी गलती के लिए वह पश्चाताप कर रहा था, रिपेंटिंग का मतलब होता है पश्चाताप करना। आगे देखें, ही अप्रोच्ड मैनी ए टाइम फॉर अपोलोगाइजिंग, ही अप्रोच्ड, वह कई बार गया, मैनी ए टाइम फॉर अपोलोगाइजिंग। आप फ्रेंड सामान्य तौर पर देखते हैं कि जब कोई गलती हो जाती है तो उसकी माफ़ी हर कोई लगभग एक बार
मांग लेता है, दो बार मांग लेता है, लेकिन यहाँ पर जो चर्वे कॉप था बार बार उसके ऑफिस में गया माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि वो जब पहली बार गया था माफ़ी मांगने के लिए तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो जनरल ब्रिजलॉफ है उन्होंने उसको माफ़ नहीं किया है, तो इसे दोबारा गया, दोबारा के बाद तिबारा गया, ऐसे बार बार गया था, और इससे जो जनरल ब्रिजलॉफ थे वो नाराज़ हो गए थे और उन्होंने इनको भला बुरा भी कह दिया था। तो यहाँ पर देखिए, ही अप्रोच मैनी अ टाइम फॉर अपोलोगाइजिंग, वह यानी कि चिर्वेकॉफ बार बार माफ़ी मांगने के लिए गया था। व्हेन जनरल ब्रिजलॉफ रिएक्टेड, जब ब्रिजलॉफ जनरल ब्रिजलॉफ रिएक्टेड हेम वेरी रडली इन द ऑफिस, जब जनरल ब्रिजलॉफ ने अपने ऑफिस में उनसे बड़ी दृढ़ता के साथ में प्रतिक्रिया दी। ही कुडंट बियर, बियर मन होता है सहन करना, द इंसल्ट, अपने अपमान को वह सहन नहीं कर सका। ही कुडंट बियर द इंसल्ट, ही का मतलब यहाँ पर चिर्वेकॉफ, चिर्वेकॉफ अपने अपमान इंसल्ट को बियर नहीं कर सका, यानी कि सहन नहीं कर सका। एंड वॉज डीपली हर्ट, और बुरी तरह से, डीपली गहराई से उसको कष्ट हुआ जब उन्होंने उसको बुरी तरह से डांटा। आफ्टर रीचिंग हिज हाउस, अपने घर पहुँचने के बाद ही डाइड क्विटली, वह तुरंत मर गया। ही डाइड क्विटली यानी कि उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको देखना है कि ये इसका आंसर है, और हो सकता है कि ये आंसर थोड़े आपको बड़े लगते हो लेकिन बहुत ही सिंपल हैं, और अगर आप इन मीनिंग्स को लिख लें जो भी हम बताते जाते हैं, तो जब आप इसको लर्न करेंगे तो आप उसी तरह अर्थ निकाल पाएंगे जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, और इससे आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस आंसर्स को लर्न कर पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड थर्ड, और यहाँ पर हम देखते हैं, राइट डाउन सम ट्राइट्स ऑफ चिर्वेकॉप्स करेक्टर इन योर वर्ड्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि चिर्वेकॉप्स का जो चरित्र था, अपने शब्दों में सम ट्राइट्स, कुछ उसके जो गुण लिखिए, ट्राइट्स का मतलब होता है उसके बारे में कुछ गुण लिखना, यानी कि चिर्वेकॉप के चरित्र पर कुछ शब्दों में राइट डाउन सम ट्राइट्स, उसकी विशेषताओं को लिखिए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, ट्राइट्स का मतलब होता है विशेषताएं या लक्षण या गुण, राइट मन होता है लिखना, डाउन, राइट डाउन का मतलब होता है लिखना। सम ट्राइट्स, कुछ लक्षण या उसकी विशेषताएं ऑफ चिर्वेकॉफ्स करेक्टर, चिर्वेकॉफ के चरित्र पर इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में, यानी कि ये लेसन अगर आपने पढ़ा है और इस लेसन को पढ़ने के पश्चात आपको कैसा महसूस हुआ है, उस आपको अपने अनुसार चिर्वेकॉफ के बारे में लिखना है। तो जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो आप ये सोचेंगे कि चिर्वेकॉफ एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी था, अगर उसने छींक दिया था तो एक बार गलती मना लेता, बार बार वहाँ पे क्यों जा रहा था, किसी को बार बार कोई जाएगा पर बार बार परेशान करेगा तो नाराज़ हो ही जाएगा। तो यानी कि आप उसको अंततः एक पागल इंसान मानेंगे जो एकदम बेवकूफ़ टाइप का है। तो चलिए यहाँ पे आपको देखना है, और यदि ये लेसन समझना है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पूरे लेसन फर्स्ट से लेके जो आपके जितने भी लेसन हैं कक्षा 10वीं के, हमने वर्ड बाय वर्ड पूरा लेसन समझाया हुआ है। पहले आप हमारे इस लेसन को समझ लें, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर को आप पढ़िए और लर्न करिए, तो आप बहुत ही आसानी से लर्न कर पाएंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चिर्वेकॉफ वॉज ए माइनर ऑफिशियल, चिर्वेकॉफ एक छोटा अधिकारी था। ही वॉज ए वेरी सिंपल मैन, वह एक साधारण सा आदमी था। बट ही हैड नॉट द प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उसका दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं था। प्रेजेंस ऑफ माइंड, बट ही हैड नॉट द प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उसका जो दिमाग था स्थिर नहीं था, ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं ही डिड नॉट हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है उसका दिमाग एक जगह पर स्थिर नहीं था। नो वन माइट हैव गॉन फॉर आस्किंग अपोलॉजी सो मैनी टाइम्स फॉर ए मियर स्नीजिंग, मियर का मतलब होता है एक छोटी सी छींक के लिए, एक मामूली सी छींक के लिए कोई भी व्यक्ति, नो वन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, गॉन नहीं जाता आस्किंग अपोलॉजी माफ़ी मांगने के लिए, सो मैनी टाइम्स इतनी बार बार, यानी कि कोई भी व्यक्ति बार बार एक छोटी सी चीज़ के लिए, जैसे छींकने जैसे चीज़ के लिए, मामूली सी चीज़ के लिए बार बार माफ़ी मांगने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है। बट आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी, लेकिन इस स्टोरी, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, दिस स्टोरी, इस स्टोरी को, इस कहानी को पढ़ने के बाद, वी रियलाइज, हमने महसूस किया, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, दैट कि चिर्वेकॉफ मस्ट हैव बीन ए वेरी इमोशनल, कि जो चिर्वेकॉफ है
वो एक बहुत ही इमोशनल टाइप का व्यक्ति था, भावुक व्यक्ति था, एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव पर्सन। और अंततः, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अंततः या पूर्णतः सेंसिटिव पर्सन, बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति था। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देखते हैं कि ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। और मेरा मानना है कि आपको ये जो लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए हैं। और अगर ये हमारे आप सभी वीडियोस देखते हैं तो आपके जो मित्र हैं, यदि आप टीचर हैं और हमारे साथ हैं, इनको अध्ययन कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर को, तो आप अपने बच्चों को इनको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो घर बैठ के, जो लोग क्वेश्चन कोचिंग अटेंड नहीं करते हैं या अटेंड भी करते हैं, तो घर में इनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं जब उनको आवश्यकता हो, जब भी उनको प्रॉब्लम हो। तो मेरा मानना है कि आप लोग ऐसा करेंगे, अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएंगे, वीडियोज़ के बारे में बताएंगे, ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन शुभ हो।